बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले अब रोजगार के मामले पर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव आज से बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी के समर्थन में आ गए हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव एक हाईटेक बस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये बस पहले से ही विवादों में घिर चुकी है। तेजस्वी जिस बस से यात्रा कर रहे हैं उसे युवा क्रांति रथ का नाम दिया गया है। तेजस्वी इस हाईटेक बस पर राज्य के हर जिले में रैली का नेतृत्व करेंगे। वहीं जेडीयू ने कहा था कि अगर तेजस्वी इस बस का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तेजस्वी के समर्थन में बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि तेजस्वी जिस समय में सवार होकर बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकाल रहे थे वो गरीब बैकवर्ड और अति पिछड़ा का रथ है। किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखाए। मैं लालू और राबड़ी का बेटा चुनौती देता हूँ। मैं तेजस्वी को अपने खून का एक एक कतरा देने को तैयार हूँ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले विवादित बस को लेकर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर तेजस्वी यादव पर आर्थिक जालसाजी करके बस हासिल करने का आरोप भी लगाया गया था। SPN 9 न्यूज़ से पुष्पा की रिपोर्ट।